हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर शिमला में जो वैकेंसी आई हुई है, यह है आर्मी हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड शिमला। इसमें LDC की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। टोटल 2 वैकेंसी हैं, तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें इसके साथ अटैच करने हैं, लास्ट डेट क्या है, ये सभी संबंधित डेट वगैरह जो हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले अगर बात करें तो पोस्ट नेम, LDC की पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी आई हुई है, जिसमें टोटल 2 वैकेंसीज हैं। इसमें सभी कास्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो। वैसे एक पोस्ट इसमें जनरल की है, सामान्य वर्ग के लिए, और एक ST कैटेगरी के लिए है। लेकिन जो अभ्यर्थी OBC, SC आदि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो सभी जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आर्मी हेडक्वार्टर कमांड शिमला में ये जो वैकेंसी आई हुई है, एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो ये निःशुल्क ऑफलाइन भर्ती है। इसमें कोई भी हमें एग्ज़ाम फ़ीस पे नहीं करनी है, ये एक बिल्कुल फ्री भर्ती है और यह ऑफलाइन है। यानी हमें फॉर्म को भर के ऑफलाइन मोड में फॉर्म को दिए गए पते पर भेजना पड़ेगा। इसके बाद जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनके अनुसार एज रिलैक्सेशन सबको दिया जाएगा। इसमें जो एग्ज़ाम होगा, एक रिटन बेस एग्ज़ाम होगा, जिसमें टाइम होगा 2 घंटे का। टोटल क्वेश्चन होंगे 150, 150 क्वेश्चन इसमें होंगे। और स्किल टेस्ट, टोटल मार्क्स जो हमारा स्किल टेस्ट होगा या प्रैक्टिकल होगा, उसके 50 नंबर होंगे। स्किल टेस्ट टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट्स, जो स्किल टेस्ट होगा उसका समय होगा 10 मिनट। और स्किल टेस्ट में टाइपिंग, जो अंग्रेजी हिंदी में टाइपिंग टेस्ट है, उसका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, प्रैक्टिकल लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इसका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसमें क्या सिलेबस होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके 25 क्वेश्चन होंगे, जो 25 मार्क्स के होंगे। इसी तरह न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जो मैथमेटिक्स है, इसके 25 क्वेश्चन होंगे, वो भी 25 नंबरों के होंगे। जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के। और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के इसमें होंगे। और स्किल टेस्ट के रूप में टाइपिंग टेस्ट हमारा लिया जाएगा, जो प्रैक्टिकल है, टाइपिंग टेस्ट के रूप में होगा, और 50 नंबर का स्किल टेस्ट होगा। इस तरीके से 150 नंबर का टोटल इसमें ये एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 12th पास, सिर्फ 12वीं पास के अभ्यर्थी इसको आवेदन कर सकते हैं। और LDC की पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जैसा कि हमने बताया था। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा, सबसे पहले इसमें एक रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हो जाएंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सभी इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है। सैलरी की अगर बात करें तो 19,900 से 63,200 इसकी बेसिक सैलरी होगी। और इम्पोर्टेंट जो इसकी डेट है, ये एक ऑफलाइन प्रकार की वैकेंसी है। आर्मी हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड शिमला, इसका नोटिफिकेशन आया था, आज का ही इसका नोटिफिकेशन है, ये लेटेस्ट वैकेंसी है। और इसकी जो अंतिम तिथि होगी वो होगी 18 अगस्त 2023। तो आप सभी इसमें आवेदन करें। केवल 10th पास इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा ये एक ऑफलाइन भर्ती है। इसको हमें, जो हमारा आवेदन वाला लिफाफा है उस पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये भी लिखना है, जैसा कि इसमें बता रखा है। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कैसे भी इसको हम भेज सकते हैं। केवल पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको हमें दिए गए पते पर भेजना है। ये पता है इसका, आर्मी हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड शिमला, ये इसका एड्रेस है। और जो आवेदन वाला लिफाफा है, बाहर वाला लिफाफा है, उस पर हमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और कैटेगरी हमें ज़रूर लिखनी है कि किस कैटेगरी से हम हैं, किसके लिए हम अप्लाई इसमें कर रहे हैं। केवल 12th पास ये वैकेंसी है, तो सभी लोग आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हमें अटैच करने हैं वो क्या क्या होंगे, तो इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जो हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मार्कशीट हो गई, 12th पास की मार्कशीट हो गई, वो हमें इसके साथ अटैच करनी है। जन्मतिथि प्रमाण पत्र का मतलब 10th की मार्कशीट हमें इसके साथ अटैच करनी है, या बर्थ सर्टिफिकेट। इसके अलावा योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि योग्य हैं। यदि हम जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। और ST कैटेगरी के लिए यदि हम आवेदन करते हैं तो हमें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आधार कार्ड या अन्य कोई भी जो ID है हमारी, उसके लिए ID प्रूफ की फ़ोटोकॉपी। और इसके अलावा 2 एडिशनल रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स, 2 अतिरिक्त फ़ोटोग्राफ्स हमें इसमें देने हैं इसके साथ में। और इसके बाद में
एक है एनओसी सर्टिफिकेट, यदि कोई गवर्नमेंट कर्मचारी हैं और इसको अप्लाई करते हैं फॉर्म के लिए तो हमें इस फॉर्म के साथ में एनओसी सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। तो ये सभी जानकारी इस